अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पंगा लैंड। आज मैं एक नया पंगा लूँगी, एन अमेजिंग पंगा। बहुत मज़ा आएगा, उम्मीद है आपको भी देखते हुए बहुत मज़ा आएगा। और वो है दी टिशू पंगा। सो गाइस, दी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पंगा इज़ अपना गुस्सा निकालना। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। सबसे पहले अपना गुस्सा निकालना है टिशू पे और उससे बिल्कुल पीस पीस कर देना है। गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आया हुआ था मुझे, बस ज़बरदस्ती का गुस्सा निकाला है इन पे। अब इसको थोड़ा सा गीला करेंगे पानी लगा के और फिर इसके अंदर डालेंगे ग्लू गम। ये है गम और इसके अंदर मैंने पानी मिलाया क्योंकि ये पहले बहुत गाढ़ी थी और अब पतली हो गई है। इसको इसके अंदर डालना है और इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये मिक्स हो जाए। काफ़ी मिक्स करने के बाद इसके अंदर कोई भी रैंडम कलर डालना है। मैं रेड डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले एक एक्सपेरिमेंट करना है और उसके बाद बनाना है फाइनल पीस। ये स्कॉलर शीट ली है मैंने और इसके ऊपर मैं एक प्यारा सा क्यूट सा छोटू सा दिल बनाऊंगी और इसको पिंक कलर से भर दूंगी। ओए होए 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 होए, ये बहुत प्यारा लग रहा है, क्यूट सा। और ये 3D है, टेक्सचर अलग से, 3D अलग से, पेंटिंग अलग से। सो हमारा क्यूट सा तिल बनने के बाद ये थोड़ा सा बच गया है और इसको मैं रीयूज़ करूँगी। इसके अंदर ही ब्लैक कलर डाल के इसको ब्लैक कर लूँगी और ये हमारे फाइनल पीस में काम आएगा। सो गाइस, ब्लैक हो गया है मिक्स अच्छी तरह से। और अब ये दूसरे वाला है, इसके अंदर येलो कलर डालना है। जो हमारा फाइनल पीस है वो भी ब्लैक एंड येलो है और उसका क्विक स्केच मैंने बना लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये कलर येलो डाल के अंदर इसके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक ख़ास बात जो इस वीडियो को बनाते हुए ही मुझे पता चली है, अगर इसको कम मिक्स करें, कम हिलाएं तो ये इतना अच्छा नहीं होता। इसको बहुत ज़्यादा हिलाना पड़ता है और इसको हिला हिला के मेरे तो हाथ दर्द करने लग गए हैं। खैर से हमारा काम तो हो गया है और ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और अब बारी आती है हमारे फाइनल पीस की। तो टन टना, ये है फाइनल पीस, एक इमोजी नए डिज़ाइन की। इसके अंदर कलर करना है, हाँ कलर मतलब ये जो टेक्सचर बनाया है इसको इसके अंदर लगाना है। और अब मैंने सोचा है इसके पीछे मतलब बैकग्राउंड में ग्रे या ब्लैक टाइप कुछ कलर कर देती हूँ, उससे ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ब्लैक कलर कर दिया है मैंने, ये ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन खैर इग्नोर करें। जब इसके ऊपर लगाएंगे टेक्सचर, टिश्यू टेक्सचर, तो ये उम्मीद है अच्छा लगेगा। सो गाइस, जब तक ये बन रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ क्योंकि उसके बगैर मेरी नई वीडियो आप तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. OMG, ये बहुत अच्छा बना है, जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। और ये है हमारा छोटू सा क्यूट सा दिल। अरे रुके रुके, कहाँ जा रहे हैं। एक और आइडिया आ गया मुझे, ये ब्लैक टिश्यू टेक्सचर जो बच गया था, मैंने सोचा इसको छोटे से क्यूट से दिल के बैकग्राउंड पर लगा देती हूँ, इससे ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। लुक ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि वो भी मज़े मज़े की वीडियोस देख सकें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।